नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल केयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे आज मैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर क्यों बैठा हूँ, जैसे हारमोनियम, तबला। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BTS किस तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को और अलग अलग नेशनलिटीज़ के बच्चों को। इंडियंस भी इससे बहुत अछूते नहीं हैं, बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं BTS से, और मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मैं कल का इंसिडेंट आपको शेयर करता हूँ दोस्तों। कल हम एक फैमिली गैदरिंग में गए थे, तो वहाँ पर मेरी बेटी को एक गाना सुनाने के लिए बोला गया। तो उसने जो गाना सुनाया मैं आपको सुनाता हूँ। In the such night, so watch me bring the fire, sit tonight, like shoes on, get a bit of mon, cover like a sock and roll, king kong, kick the jam, rolling on like a rolling stone, sing song when I'm walking home, jump up to the capital prawn, ding dong, come here, my phone, nice tea and gum, ping pong, this is Kane, hey, can you help best my brain, who life is sweet as honey, and just beating like money, disco, oh lord, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, let's go. Cause ha, in the sunlight. So I should bring the fire, sit in our light. Shining through the city with a little funky soul. Some light it up like dynamite. Whoa. Bring a fan, join the crowd, we wanna come along. What up, chop, chop, just move like you off the wall. Day and night, sky is light, so you dance till the break dawn. Ladies and gentlemen, I got a message for you, I am the ball. This is getting heavy, can you help me with my day? Woohoo, life is sweet as honey, it is beating like money. Disco, oh lord, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, let's go. Okay, so friends, हमें बचपन से ही लग रहा था कि हमारी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसको हम म्यूज़िक सिखाते हैं। तो हमने बहुत अर्ली एज में उसको क्लासिकल म्यूज़िक क्लासेस दिलवानी शुरू करी। पहले वो ट्यूशन बाहर जाती थी, लेकिन हमने होम ट्यूटर लगाया और क्लासिकल सिंगिंग उसने सीखनी शुरू करी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट तभी के हैं, ये मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन कल इतना मुझे हैरानी हुई कि उसने गाना ये सुनाया, हालांकि मुझे कोरियंस का के भी नहीं आता, लेकिन जब उसको बोला गया कि एक हिंदी गाना सुनाओ, तो उसको एक भी हिंदी गाना नहीं आता था। एंड वो सब ये जो सीखा था वो सब गायब हो चुका था। तो मैंने उसको एक भाई चैलेंज दिया है कि एटलीस्ट 5 गाने उसे हिंदी के याद करने हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितने हिंदी के गाने कर पाई, और वो भी आपको सुनाऊंगा। तो आप उसी से सुनते हैं कि वो कौन कौन से गाने तैयार करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यनेस, एंड यनेस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है गॉड्स गिफ्ट। तो मेरे पापा ने मुझे एक टास्क दिया है कि मुझे 5 हिंदी गाने याद करने हैं। तो फर्स्ट मैं करूँगी छेड़खानियाँ, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ कहीं ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ हवा के झोंके। सेकेंड इज हवा के झोंके, हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलों की शौकी आज भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। थर्ड इज दिल है छोटा सा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों पे उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। फोर्थ इज मैं चली, मैं चली लेके प्यार की गली, मुझको रोके ना कोई, मैं चली, मैं चली। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज ये रातें मौसम, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल। Thank you.
हाँ भाई एनएस, तो आपको कोरिया इतना क्यों पसंद है? बीटीएस की वजह से। और बीटीएस क्यों पसंद है? उनके म्यूजिक और उनके टैलेंट की वजह से। कि बीटीएस के कांटेक्ट में कैसे, आपको कैसे पता लगा बीटीएस के बारे में? मेरी एक दीदी है खुशी दीदी, उन्होंने मुझे बीटीएस के बारे में बताया। उस दिन मैंने एक बार बीटीएस देखा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं अभी तक बीटीएस देखती हूँ। और तो उसके लिए आप कोरियन भी सीखने लग गए? कैसे? मतलब बीटीएस जो है वो मुझे सबटाइटल देखने पड़ते थे। अब थोड़ी थोड़ी मुझे कोरियन आने लग गई, तो थोड़ी थोड़ी वर्ड्स के लिए, सेंटेंसेस के लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती सबटाइटल्स की। ओके, तो आप कोरिया जाना चाहते हो? बहुत। क्या करोगे कोरिया जाके? पहले तो मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाऊंगी, और उसके बाद बीटीएस के फैन साइन मीटिंग में जाऊंगी। हमें लगा आप पढ़ने लिखने ही जाओगे। वो भी, लेकिन बीटीएस ज्यादा। ओके, आप अपने छोटे भाई को भी कोरियन सिखाने लग गए? हाँ। क्यों? क्योंकि वो भी पहले उसको बीटीएस नहीं पसंद था, लेकिन जब उसको बीटीएस पसंद आने लगा तो मैं कोरियन सीखती थी, मेरे साथ वो भी सीखने लग। आपने कोरियन कैसे सीखी? यूट्यूब से। तो मतलब यूट्यूब से हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं? हाँ। ग्रेट, सो आप अब हिंदी के गाने ये हमें कब तक सुना रहे हो? पता नहीं, लेकिन 2-3 डेज कोशिश करेंगे। ग्रेट, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ कोरियन कोरियन के गाने आएंगे, इंडियन गाने भूल जाओगे या नहीं, हिंदी गाने नहीं? नहीं, तो बैलेंस रखना है ना हिंदी और कोरिया का। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शिवांश, हम थैंक यू को क्या कहते हैं कोरियन में? शिमिंदा। हाँ, और हेलो को? हेलो को अन्नासो। अन्नासो, ओके। और गुड नाइट? गुड नाइट को जाग जा। जाग जा। एंड मम्मा? मम्मा को यूमा। और पापा? अप्पा। अरे वाशिवांश, बहुत अच्छा कर लिया आपने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कसमदा, थैंक यू।